राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय आठ। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय आठ। एलिशा के आश्चर्य कर्मों की कीर्ति। जिस स्त्री के बेटे को एलिशा ने जिलाया था, उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहां से जाकर जहां कहीं तू रह सके वहां रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत पलिश्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। 7 वर्ष के बीतने पर वह पलिश्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। राजा परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था और उसने कहा कि जो बड़े काम एलिशा ने किए हैं उन्हें मुझसे वर्णन कर। जब वह राजा से यह वर्णन कर ही रही थी कि एलिशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलिशा ने जिलाया था। जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया था तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो सब इसे फेर दे। इज़राइल का आराम की गद्दी छीन लेना। और एलिशा दमिश्क को गया और जब आराम के राजा बेंदद को, जो रोगी था, यह समाचार मिला कि परमेश्वर का भक्त यहां भी आया है, तब उसने हजायल से कहा, भेंट लेकर परमेश्वर के भक्त से मिलने को जा और उसके द्वारा यहोवा से यह पूछ कि क्या बेंदद जो रोगी है वह बचेगा कि नहीं। तब हजायल भेंट के लिए दमिश्क की सब उत्तम उत्तम वस्तुओं से 40 ऊंट लदवाकर उससे मिलने को चला और उसके सन्मुख खड़ा होकर कहने लगा, तेरे पुत्र आराम के राजा बेंदद ने मुझे तुझसे यह पूछने को भेजा है कि क्या मैं जो रोगी हूं तो बचूंगा कि नहीं। एलिशा ने उससे कहा, जाकर कह तू निश्चय बच सकता है, तो भी यहोवा ने मुझ पर प्रकट किया है कि तू निसंदेह मर जाएगा। और वह उसकी ओर टकटकी बांधकर देखता रहा, यहां तक कि वह लज्जित हुआ और परमेश्वर का भक्त रोने लगा। तब हजायल ने पूछा, मेरा प्रभु क्यों रोता है? उसने उत्तर दिया, इसलिए कि मुझे मालूम है कि तू इसराइलियों पर क्या क्या उपद्रव करेगा। उनके गढ़वाले नगरों को तू फूंक देगा, उनके जवानों को तू तलवार से घात करेगा, उनके बाल बच्चों को तू पटक देगा और उनकी गर्भवती स्त्रियों को तू चीर डालेगा। हजायल ने कहा, तेरा दास जो कुत्ते सरीखा है वह क्या है कि ऐसा बड़ा काम करे? एलिशा ने कहा, यहोवा ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि तू आराम का राजा हो जाएगा। तब वह एलिशा से विदा होकर अपने स्वामी के पास गया और उसने उससे पूछा, एलिशा ने तुझसे क्या कहा? उसने उत्तर दिया, उसने मुझसे कहा कि बेंदद निसंदेह बचेगा। दूसरे दिन उसने रजाई को लेकर जल में भिगो दिया और उसको उसके मुंह पर ऐसा ओढ़ दिया कि वह मर गया। तब हजायल उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इसराइली योराम का राज्य। इसराइल के राजा अहाब के पुत्र योराम के 5वें वर्ष में, जब यहूदा का राजा यहोशापात जीवित था, तब यहोशापात का पुत्र यहोराम यहूदा पर राज्य करने लगा। जब वह राजा हुआ तब 32 वर्ष का था और 8 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता था। वह इस्राएल के राजाओं की सी चाल चला, जैसे अहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी स्त्री अहाब की बेटी थी और वह उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। तब भी यहोवा ने यहूदा को नाश करना न चाहा। यह उसके दास दाऊद के कारण हुआ,
क्योंकि उसने उसको वचन दिया था कि तेरे वंश के निमित्त मैं सदा तेरे लिए एक दीपक जलता हुआ रखूंगा। उसके दिनों में एदोम ने यहूदा की अधीनता छोड़कर अपना एक राजा बना लिया। तब योराम अपने सब रथ साथ लिए हुए साइर को गया और रात को उठकर उन एदोमियों को जो उसे घेरे हुए थे और रथों के प्रधानों को भी मारा और लोग अपने अपने डेरे को भाग गए। यो एदोम यहूदा के वंश से छूट गया और आज तक वैसा ही है। उस समय लिब्ना ने भी यहूदा की अधीनता छोड़ दी। योराम के और सब काम और जो कुछ उसने किया वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान योराम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उनके बीच दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई और उसका पुत्र अहज्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदी अहज्याह का राज्य। अहाब के पुत्र इस्राएल के राजा योराम के 12वें वर्ष में यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्याह राज्य करने लगा। जब अहज्याह राजा बना तब 22 वर्ष का था और यरूशलेम में एक ही वर्ष राज्य किया और उसकी माता का नाम अतल्याह था जो इस्राएल के राजा उम्री की पोती थी। वह अहाब के घराने की सी चाल चला और अहाब के घराने की नाई वह काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि वह अहाब के घराने का दामाद था और वह अहाब के पुत्र योराम के संग गिलात के रामोत में अराम के राजा हजायल से लड़ने को गया और अरामियों ने योराम को घायल किया। सो राजा योराम इसलिए लौट गया कि इज़राइल में उन घावों का इलाज कराए जो उसको अरामियों के हाथ से उस समय लगे जब वह हजायल के साथ लड़ रहा था। और अहाब का पुत्र योराम जो इज़राइल में रोगी रहा, इस कारण यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्याह उसको देखने गया।